जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर से आप सभी झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर के चार चार महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जिसे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके संक्षेप में अच्छे ढंग से आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों का बोर्ड एग्जाम इस वर्ष होगा या फिर पिछले वर्ष के जैसा ही बिना एग्जाम दिए हुए अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, यह भी बताऊंगा। इसीलिए आप सभी छात्र हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहे तो लाइक और शेयर करते हुए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आपको हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर के जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसे देख लेते हैं। इसके बाद क्लास 10 और 12 के छात्रों के अपडेट को भी देखेंगे। और दोस्तों, इसमें जो पहला अपडेट आपका है, जो यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा के लिए 13 लाख बच्चे कर रहे हैं इंतजार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी झारखंड बोर्ड के क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों की संख्या 13 लाख है और आप सभी छात्रों का बोर्ड एग्जाम कब होगा, बस इंतजार चल रहा है। दोस्तों, आगे इसमें जो दिया हुआ है, जो नीचे हम लोग देख रहे हैं, कि 13 लाख बच्चों का भविष्य लगा है दांव पर, पिछली बार नहीं हो सकी थी परीक्षा, तो क्या इस बार भी बिना एग्जाम दिए हुए आपको अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा, अभी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आगे इसमें दिया गया है रांची, यानी कि यह जो अपडेट है रांची से दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ है। और आगे इसमें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जैक बोर्ड परीक्षा के साथ साथ 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा में भी बदलाव किए हैं और विभाग द्वारा पहले ही जारी किया गया है कि परीक्षा जून तक आयोजित की जा सकती है, लेकिन अभी तक परीक्षा के आयोजन को लेकर कोई तैयारी नहीं हो पाई है। आप सभी झारखंड बोर्ड के क्लास 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी स्टूडेंट हैं, तो आप सभी छात्रों के बोर्ड एग्जाम को आयोजित करने को लेकर के जो फैसले लिए गए थे सीबीएसई बोर्ड को देख करके, सीबीएसई बोर्ड ने फर्स्ट टर्म का एग्जाम ले लिया, रिजल्ट भी दे दिया, लेकिन आप सभी छात्रों का बोर्ड एग्जाम कैसे आयोजित होगा इसको लेकर के झारखंड एकेडमिक काउंसिल को पसीना छूट रहा है। दोस्तों, आगे इसमें दिया गया है कि काउंसिल पूरी तरह से मैट्रिक व इंटर परीक्षा के आयोजन पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का बोर्ड एग्जाम जो 24 मार्च से शुरू हो रहा है उसको कैसे आयोजित करें इसी पर लगा हुआ है। और क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों के बोर्ड एग्जाम के तैयारी को लेकर के कुछ भी नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, आगे इसमें जो दिया गया है कि बताया जा रहा है कि अगर इस बार भी कोरोना का असर जून तक दिखा तो इन कक्षाओं की परीक्षा फिर से दूसरे वर्ष आयोजित नहीं हो पाएगी, यानी कि जिस तरह से 2021 के छात्रों को बिना एग्जाम दिए हुए अगले क्लास में प्रमोट कर दिया गया था, ठीक उसी तरह से इस बार भी कोरोना का बहाना बनाते हुए क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों को बिना एग्जाम दिए हुए अगले क्लास में प्रमोट किया जा सकता है। दोस्तों, आगे इसमें दिया गया है कि इन कक्षाओं के परीक्षा आयोजन को लेकर अभी भी तिथि निर्धारित नहीं की जा सकी है और जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो ने बताया है कि इस बार 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा के परीक्षा को लेकर दोगुना दबाव बढ़ा है, यानी कि आप सभी छात्रों का एग्जाम कैसे लिया जाए इसको लेकर के अभी तक कोई भी तैयारी नहीं है। और झारखंड एकेडमी काउंसिल के अध्यक्ष का कहना है कि इस बार आप सभी छात्रों का जो एग्जाम लेने को लेकर के है उसमें दुगुना दबाव है कि कैसे हम एग्जाम को आयोजित करें। दोस्तों, आगे इसमें दिया है कि यह पहला मौका होगा जब इन तीनों कक्षाओं की परीक्षाएं ओएमआर सीट के साथ साथ थ्योरी पेपर के साथ बच्चों को देना होगा, यानी कि आप सभी छात्रों का इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपका एग्जाम ओएमआर सीट पर भी होगा और लिखित भी होगा क्लास 8, 9 और 11 का, जिस तरह से क्लास 10 और 12 का हो रहा है। दोस्तों, आगे इसमें दिया गया है कि उन्होंने बताया कि पहले बोर्ड परीक्षा का आयोजन दूसरी ओर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि पहले जो है क्लास 10 और 12 के छात्रों का बोर्ड एग्जाम होगा, इसके बाद क्लास 9 और 11 के छात्रों और साथ ही साथ 8 के छात्रों के बोर्ड एग्जाम पर ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, आगे इसमें हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है, जो आपका दूसरा अपडेट है, कि परीक्षा की तैयारी नहीं है पूरी, असमंजस में है छात्र, आप सभी छात्रों के परीक्षा की कोई भी तैयारी नहीं है। आगे इसमें दिया है कि भले ही विभाग की ओर से
आठवीं, नौवीं और ग्यारहवीं के परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि प्रकाशित कर दी गई है, लेकिन अभी भी तैयारी को देखकर परीक्षा के समय पर आयोजन को लेकर सवाल उठ रहा है। यानी कि आप सभी छात्रों का बोर्ड एग्जाम जून में लिया जाएगा, ये बोल तो गीत दिया गया है, लेकिन होगा या फिर नहीं, इस पर सवाल उठ रहा है। दोस्तों आगे इसमें दिया गया है कि राज्य के करीब 13 लाख बच्चे परीक्षा के इंतजार में हैं, ताकि उनका मूल्यांकन हो सके कि हम कितने पानी में हैं और हम कितना जानते हैं। दोस्तों आगे इसमें दिया गया है कि कोरोना संक्रमण ने सभी चीजों को पहले ही प्रभावित किया है, जिसमें छात्रों के पढ़ाई सबसे अधिक प्रभावित हुई है। दोस्तों जब भी कोरोना महामारी आता है तो सबसे अधिक छात्रों को नुकसान होता है। आगे इसमें दिया गया है कि दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ आयोजित की जाएगी। ये हम लोग भी जान रहे हैं कि आप सभी झारखंड बोर्ड के क्लास 8 से लेकर के 12 तक के जितने भी छात्र हैं, तो आप सभी छात्रों का दोनों टर्म का एग्जाम एक साथ लिया जा रहा है। यानी कि फर्स्ट टर्म का ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ और सेकेंड टर्म का एग्जाम सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ होगा, जो आपका लिखित उत्तर पुस्तिका में होगा। और दोस्तों इसमें दिया गया है कि आठवीं, नौवीं और ग्यारहवीं की दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ली जाएगी और दोनों टर्म की परीक्षा 40-40 अंकों की होगी। यानी कि फर्स्ट टर्म का भी 40 नंबर का और दूसरे टर्म का भी 40 नंबर का। दोस्तों आगे इसमें दिया है कि जबकि 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन का मतलब है इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं है। इस तरह से देख रहे हैं कि आप सभी छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम होना है 40-40-80 और साथ ही साथ 20 कुल मिलाकर के 100 नंबर का। दोस्तों आगे इसमें दिया गया है कि आंतरिक मूल्यांकन स्कूल व कॉलेज के स्तर से लिया जाएगा और प्रथम चरण की परीक्षा ओएमआर सीट पर व दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। और दूसरे चरण की परीक्षा में लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों आप सभी छात्रों का हर बार कमेंट रहता है कि सर हम लोगों का जो एग्जाम होगा उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव भी होगा, तो यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरफ से एग्जाम लिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो तीसरा अपडेट है जो हम लोग यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें झारखंड एकेडमी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो का मुस्कुराता चेहरा भी है और सबसे ऊपर में जो हेडलाइन दिया गया है कि जो छात्र फार्म नहीं भर सके कंपार्टमेंटल की तैयारी में जुट जाएं। यानी कि झारखंड बोर्ड के क्लास 8, 9, 11 या फिर 10 और 12 के जितने भी छात्र हैं, अगर आपने अपने परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाया है किसी कारणवश, तो आप सभी छात्र कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे सकते हैं और इसके लिए आप लोग तैयारी जारी रखिए, आपको मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी झारखंड बोर्ड के क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर के ये कुल मिलाकर के 3 अपडेट थे। इसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण अपडेट है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो क्लास 10 और 12 के छात्रों के लिए है, जिसमें दिया गया है कि स्कूलों में बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू और नीचे दिया गया है कि छुट्टी के कारण समय कम। यानी कि आप सभी छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम आयोजित करना है 24 मार्च से, तो स्कूल और कॉलेजों के पास समय कम है और इसी बीच जो हम लोग देख रहे हैं कि 4 दिनों का होली का छुट्टी दे दिया गया है। तो इस नजरिए से देखें तो आप सभी छात्रों के बोर्ड एग्जाम को आयोजित करने के लिए परीक्षा केंद्रों के पास समय कम है और वहां पर साफ सफाई कंप्लीट कर दिया गया है, बेंच डेस्क को लगा दिया गया है और सीसीटीवी कैमरे का ट्रायल चल रहा है। यानी कि वह काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, और जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है वहां पर सीसीटीवी कैमरे को भी लगाया जा रहा है। और दोस्तों आप सभी छात्रों के बोर्ड एग्जाम को आयोजित करने को लेकर के स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं आप लोग यहां पर लाइन बाय लाइन देखें तो दिया गया है इसमें कि सभी कर्मचारियों की डबल डोज वैक्सीनेशन की रिपोर्ट जमा करनी है। आप यानी कि जहां जहां पर परीक्षा का केंद्र है वहां पर जितने भी शिक्षकों को लगाया जाएगा, तो उन सबों को अपना वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है उसे देना होगा, बताना होगा कि हमने दोनों डोज ले लिया है। दोस्तों आगे जो हम लोग देख रहे हैं कि एक बेंच डेस्क पर अधिकतम 2 छात्र बैठेंगे, इसीलिए लंबा लंबा बेंच डेस्क लगाना है। आप सभी छात्र एक बेंच में कितने बैठेंगे? 2-2। इसके बाद आगे जो हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षक और कर्मचारियों को
फोटो आईडी केंद्राधीक्षक के हस्ताक्षर से देना है, यानी कि आप सभी छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे, जो इनविजिलेटर लगाए जाएंगे, तो उन सबों को फोटो युक्त जो है आईडी कार्ड दिया जाएगा, ताकि पता चले कि यहाँ पर इनविजिलेटर कौन है और गार्जियन कौन है। दोस्तों आगे इसमें दिया गया है कि केंद्राधीक्षक को सुबह 7:30 में प्रश्न पत्र के बैक पैकेट सुरक्षा के साथ केंद्र पहुंचाना है, यानी कि जितने भी सीएस हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट, तो उन सभी को जो है जो आपका प्रश्न पत्र है बैंक से ला करके 7:30 दे देना है, ताकि आपका एग्जाम समय पर लिया जा सके। आपका जो एग्जाम है 9:45 में शुरू हो जाएगा। दोस्तों आगे इसमें दिया है कि परीक्षा समय अवधि तक केंद्र के मुख्य गेट पर एक कर्मचारी की ड्यूटी होनी चाहिए, यानी कि गेट पर एक कर्मचारी हमेशा रहेगा, जो आदेशपाल होंगे वो। इसके बाद आगे है कि परीक्षा केंद्रों पर हैंड वॉश और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था स्कूल को करनी है। आप सभी छात्रों का जो हैंड वॉश होगा साबुन से, वो साथ ही साथ जो सैनिटाइजर है ये परीक्षा केंद्र में रखा रहेगा। दोस्तों आगे इसमें दिया गया है कि परीक्षा केंद्र पर नियुक्त व प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, यानी कि जितने भी केंद्राधीक्षक हैं, वीक्षक हैं या फिर आदेशपाल हैं, बड़ा बाबू हैं, साथ ही साथ आप सभी छात्र हैं, तो आप सबों को जो है कि मास्क लगाना जरूरी है। तो दोस्तों इस तरह से आज आप सभी झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर के ये कुल मिलाकर के 4 महत्वपूर्ण अपडेट थे। और ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं या फिर आपके मॉडल प्रश्न पत्र का सोल्यूशन हो, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसीलिए आप सभी छात्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। आप सबों को होली की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।